हाय एवरीवन, मधुलिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच ढोकला। ये कैसे बनाते हैं देखिए। ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि इसका खीरा कैसे बनाना है। इसमें 3 बाउल हमको राइस लेना है और 1 बाउल उड़द दाल लेनी है। दोनों को रात को भिगो दो, पूरी रात भीगने दो, सुबह उठ के उसको ग्राइंड कर लो। ग्राइंड करने के बाद उसको 8 घंटे खमीर होने के लिए रख देना है। तो मेरा ये खीरा ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है अपना। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, ढोकला बनाने के लिए गैस ऑन करेंगे, पानी गर्म करने रखेंगे। इसमें पानी जब तक गर्म होगा तब तक हम दूसरा काम करेंगे। आप पे कोई भी बर्तन हो वो ले सकते हैं। स्टीम करने के लिए पानी रखा मैंने। और हमने कल क्या बताया था, पानी अगर एल्यूमिनियम या किसी भी बर्तन में रखे तो उसमें हमको नींबू डाल देते हैं। नींबू मेरे पास है, नींबू नहीं तो नींबू का ऐसे छिक्कल होता है ना, अपन नींबू निचोड़ देते हैं, तो उस छिक्कल को ये हमने पानी गर्म करने रखा है स्टीम के लिए। अभी इसमें हम क्या करेंगे, नींबू का कोई भी पीस हो या नींबू का पीस नहीं है तो उसका रस हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो कुकर होता है ना वो खराब नहीं होता है, और एल्यूमिनियम का होगा तो कभी काला नहीं पड़ेगा वो। इसके ऊपर इसका स्टैंड रख देंगे हम और इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम ढोकले का ये तैयार करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, हल्का सा। थोड़ा सा ये अदरक का पेस्ट, थोड़ा ग्रीन चिली का पेस्ट, ये हमने कूट कर ग्रीन चिली रखा हुआ है, थोड़ा सा डालेंगे। इसको ढोकला बनाने के लिए इसे हम थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा सा, लाइक दिस। तो थोड़ा हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा 1/2 स्पून करीब ऑयल डालेंगे, लिटिल एकदम लिटिल, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये हमने इनो डाल के मिक्स कर दिया उसको। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें सैंडविच ढोकला बनाना है। इसके लिए एक पार्ट में हम क्या करेंगे, ये हमारी चटनी है। पहले हमने वीडियो में आपको अपनी ग्रीन चटनी की रेसिपी दी हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं। ये हम ग्रीन चटनी को पेस्ट में इससे मिला देंगे हम। ये हमने चटनी का अलग बना लिया है कूल। अभी क्या करेंगे, इसको डिश को हम ग्रीस करेंगे ऑयल से। चारों तरफ इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अभी एक पतली लेयर हम व्हाइट खीरे की डालेंगे।
अभी हम चेक करते हैं कि हमारा स्टीम हो गया क्या। हाँ, स्टीम हो गया है। तो अभी इसको इसमें रख देंगे हम, इसको हम ना 10 मिनट तक थोड़ा इसको पकने देंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद हम 10 मिनट के बाद फिर दूसरा इसके ऊपर खीरा डालेंगे चटनी का। अभी हम चेक करते हैं, हमको ढोकला पूरा नहीं पकाना है, आधा करना है, हाफ। ये अभी हाफ हमारा हो गया है, देखिए पूरा दिख रहा है, एकदम ड्राई हो गया है। इसके ऊपर भी हम इसकी एक लेयर लगा देंगे, गैस को स्लो करेंगे एकदम, चटनी के लेयर रख देंगे एक, पूरी तरह इसको कवर करेंगे। अब इसको हम 5 मिनट तक पकने देंगे, उसके बाद फिर तीसरी लेयर करेंगे व्हाइट ढोकले की। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा ढोकला हुआ, हाँ ये पर्त हो गई। अभी इस पे एक हम पतली सी व्हाइट पर्त लगाएंगे, आप है ना सेजवान सॉस है उसकी भी पर्त लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी है सैंडविच से ढोकला में चटनी का ही पर्त लगाओ, आप सेजवान सॉस का भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमने चटनी लगाया ना, ऐसे आप सेजवान सॉस लगा दो, केचप लगा दो। पतली सी लेयर हमने इसकी लगा दी है, अब इसको 5 मिनट तक होने देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये ब्लैक पेपर डालेंगे, हल्का सा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको कवर कर देंगे हम 5 मिनट्स के लिए, जब तक ये रेडी होगा। गैस को मीडियम करेंगे, 2-1। अभी हम चेक करते हैं कि हमारा सैंडविच ढोकला रेडी हुआ। हाँ ये तो गया, इसको हम चेक करते हैं, हाँ बन गया है। अभी इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे 10 मिनट्स के लिए, जब तक ठंडा होगा ये। अभी इसका हम तड़का तैयार कर लेंगे जब तक ये ठंडा हो रहा है। इसमें 2 स्पून हमने ऑयल डाला, राई चटकती है तब तक हम थोड़ा वेट करेंगे, जब तक हमारा तड़का हो रहा है, राई तड़केगी तब तक हम ये काट लेते हैं। इसको आप ट्रायंगल किसी भी शेप में काट सकते हो, मैं स्क्वायर में काट रही हूँ। ये हमने कट कर दिया, अभी हमारी राई हो गई। इसमें अभी हम डालेंगे व्हाइट तिल, हरी मिर्च, 2 कटी हुई हरी मिर्च वो भी हम डालेंगे। गैस को बंद करेंगे, तड़के को हम इसके ऊपर डालेंगे।
चारों तरफ फैला देंगे इसको तड़के को, जिससे कि ढोकले के अंदर तक चला जाए वो। अभी निकालेंगे हम इसे, थोड़ा सेटल होने दें। अभी इसके पीछे से हम निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे ढोकला बने, बीच में सैंडविच है। ये हमारे सैंडविच ढोकला रेडी हो गए हैं, काफी सॉफ्ट बने। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हमारे सैंडविच ढोकला रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।